यार स्टॉक मार्केट की दुनिया ना, अगर आप नए इन्वेस्टर हो या स्टॉक मार्केट्स में एंटर करना चाह रहे हो, ये काफ़ी डरावनी हो सकती है। बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं यार, इनका क्या मतलब है। वेल, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, गोयला आपके सामने आ गया है। आज आसान भाषा में इन सब का मतलब समझेंगे और ये भी जानेंगे एज इन्वेस्टर्स आप पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रेडी हो? मुझे पता है रेडी हो। चलो पढ़ ले जी, मेरा फेवरेट बिस्किट है। अब मानते हैं ये बिस्किट 10 रुपए का है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बिस्किट को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, अब इनको 5-5 रुपए का बेच रहा हूं। है अल्टीमेटली 10 रुपए का बिस्किट ही, बट मैं छोटे हिस्सों में करके इसको छोटी प्राइस में बेच रहा हूं। यही होता है स्टॉक स्प्लिट। कंपनी क्या करती है, उनका शेयर है, उस शेयर को वो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। मैंने तो आपको 2 हिस्से का एग्जांपल दिखाया, बट हो सकता है वो कंपनी उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 10 में डिवाइड कर दे, 20 में डिवाइड कर दे, 3 में डिवाइड कर दे। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज आपके पास एक कंपनी है, उसके 100 शेयर रखे हैं, हर शेयर की प्राइस है 50 रुपए, तो टोटालिटी में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 5000 रुपए। सिंपल है। अब अज्यूम करते हैं कि इस कंपनी में 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक शेयर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब आफ्टर स्टॉक स्प्लिट क्या होगा, आपकी क्वांटिटी 100 से 200 जाएगी, बिकॉज आपको डबल स्टॉक्स मिल गए, आपकी प्राइस आधी हो जाएगी। क्यों, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इन दो बिस्किट्स का पहले एक था, अब आपके पोर्टफोलियो में से छोटे छोटे बिस्किट्स रखे हुए हैं, तो उनकी वैल्यू भी आधी हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 25 रुपए। अल्टीमेटली आपके पास कितने शेयर रखे हैं, 5000 के। तो एज ए इन्वेस्टर आपके होल्डिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बस क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आपकी प्राइस कम हो जाएगी, बट जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेम ही रहेगा। अभी कंपनी करती क्यों है, इसके 2-3 बड़े की फंडे हैं। सबसे पहली चीज, ये शेयर को बहुत अफोर्डेबल कर देता है। बहुत बार एक शेयर बहुत महंगा हो जाता है, 10,000 का होता है, 20,000 का होता है, उसका स्प्लिट कर देंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ले सकते हैं, अफोर्डेबल हो जाता है। सेकेंड चीज ना, इससे बहुत लिक्विडिटी बढ़ जाती है। क्यों, जैसे स्टॉक स्प्लिट होता है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है कि यार 100 रुपए का शेयर 50 रुपए का हो गया है, तो ये दोबारा ऊपर जाने की क्षमता रखता है, और सस्ता भी हो गया है तो ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड सप्लाई बढ़ रही है तो देखो भाई लिक्विडिटी बढ़ेगी। राइट, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, बट बिस्किट तो खाने से पहले अब बढ़ते हैं बोनस पे। अब बोनस से ही आप समझ जाओगे, बोनस मतलब बोनस, कुछ गिफ्ट मिल रहा है। अब बोनस तब होता है जब एक कंपनी अपने रिजर्व्स और सरप्लस में जो बहुत ज्यादा उनके पास पैसा हो गया, उससे वो शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे देंगे। इसको ना इजी करके एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपके पास 1000 शेयर है, हर शेयर की प्राइस है 60 रुपए, तो आपका टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना हो गया, 60,000। सिंपल मैथ्स। अब ये मानते हैं कि इस शेयर में बोनस डिक्लेयर हो गया है ऑफ 3:1 का। इसका मतलब क्या है, हर एक शेयर पे आपको 3 शेयर ऊपर से बोनस मिलेंगे, तो आपके पास 1000 शेयर थे, अब वो शेयर कितने हो जाएंगे, 4000। बट जो प्राइस है वो सेम नहीं रहेगी, प्राइस विल बी डिवाइड बाय 4, तो वो शेयर की प्राइस क्या हो गई, 15 रुपए। सो अल्टीमेटली जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 60,000 ही है। सो एज फॉर अ इन्वेस्टर, आपको ज्यादा बोनस स्प्लिट से फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन सेम पॉइंट्स होते हैं इसके, कि ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, एंड आफ्टर बोनस ना बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, तो लिक्विडिटी बढ़ा देता है। तो एज ए इन्वेस्टर फ्रॉम आर फ्रंट हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी की साइड से क्या फर्क पड़ता है। अब मैं मानता हूँ कि चलो यार बोनस डिक्लेयर हुआ है ऑफ 1:1, अब इसको थोड़ा आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब हो सकता है यार कि मैं थोड़ा टेक्निकल चला जाऊँ और आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको एक चीज याद रखनी, इधर आओ। यहाँ पे दोस्त हम आपको अकाउंटेंट बनाने के लिए नहीं है, वी आर ओनली हियर टू मेक यू गुड इन्वेस्टर्स। एंड आज की डे एंड एज में जब आपके पास फिजडम का प्लेटफॉर्म है ना, आपको इन सब कैलकुलेशंस या डिटेल्स की जरूरत भी नहीं, बिकॉज फिजडम प्लेटफॉर्म आपके लिए सब कुछ करके दे रहा है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अगर समझ नहीं आए दोबारा देख लेना, और अगर इसका सिंपल इजी सॉल्यूशन चाहिए, फिजडम ऐप का लिंक नीचे है, अभी की अभी डाउनलोड करो टू मेक योर लाइफ इजी। अब आते हैं दोबारा एग्जांपल पे, ठीक है। मानते हैं शेयर कैपिटल है ऑफ 10 करोड़, जिसमें 2 करोड़ शेयर है ऑफ 5 रुपीज ईच, ठीक है। रिजर्व्स है ऑफ 100 करोड़, तो टोटल कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी, या थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कंपनी की नेटवर्थ कितनी हुई, 110 करोड़। सिंपल, ठीक है। अब आफ्टर द बोनस इज डिक्लेयर्ड, 1:1 बोनस में ले रहा हूं, क्यों, मैथमेटिक्स थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। तो आप देखोगे शेयर कैपिटल पहले 2 करोड़ शेयर्स इनटू 5 रुपीज था, अब वो हो जाएगा 4 करोड़ शेयर्स, बिकॉज 1:1 का बोनस है तो शेयर क्वांटिटी डबल हो गई है,
into 5 rupees, तो शेयर कैपिटल अब हो गया है 20 करोड़. पहले कितना था? 10 करोड़. अब हो गया है 20 करोड़ और रिजर्व्स हो गए हैं 90 करोड़. हुआ क्या है, कंपनी ने वो अपना पैसा रिजर्व से शेयर कैपिटल में डाल दिया है. कंपनी की भी नेटवर्थ सेम ही रहेगी. सो एज इन्वेस्टर्स आपको क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बता दिया. और ये है कंपनी की बैक एंड में जो उनकी बुक्स में फर्क पड़ता है. बायबैक अगेन क्या मतलब हुआ, वापस खरीदना. तो जब एक कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है उसको बोलते हैं बायबैक, जब एक रीपर्चेज का प्रोसेस होता है. अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो एक टेंडर ऑफर निकलता है जहां पे शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि यार देखो इस डेट पे टेंडर ऑफर रिलीज हो रहा है, तो या तो आप अपने सारे या कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स बेच दो, और ये शेयर होल्डर्स की मर्जी पे होता है. या फिर ओपन मार्केट ऑफर. ओपन मार्केट ऑफर क्या है, सिंपली जैसे हम शेयर खरीदते हैं कंपनी भी खरीद पहुंच जाएगी, वो जाएगी वो शेयर्स की बिड डालना शुरू कर देंगे और ओपन मार्केट से अपने शेयर्स खरीद लेंगे. अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि इन्फोसिस ने अपने शेयर्स का बायबैक किया था. ठीक है, क्यों किया था, उनके पास 9300 करोड़ का एक्स्ट्रा फ्री कैश फ्लो बैठा था. फ्री कैश फ्लो मतलब एक्स्ट्रा पैसा बैठा था जिसमें कोई और कमिटमेंट थी नहीं. तो उन्होंने क्या बोला कि चलो यार बायबैक ही कर लो शेयर, अपने शेयर वापस खरीद लो. इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि एक तो अगेन ये बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है कि यार अगर मैनेजमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने शेयर्स दोबारा खरीद रही है, इसका मतलब शेयर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस और भी ज्यादा है. ये इन्वेस्टर्स में बहुत अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट करता है. प्लस ये फंडामेंटल रेशियोज में हेल्प करता है, ये कंपनी की वैल्यूएशन को इंक्रीज करता है. सिंपल लॉजिक समझाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द अर्निंग पर शेयर. ठीक है, अब EPS किसी भी कंपनी का जितना ज्यादा हो उतना बेटर है कि यार उस शेयर में अर्निंग एक शेयर के हिसाब से और भी ज्यादा है, इट्स गुड. अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स. नेट इनकम तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कितने पैसे कमा रही है कंपनी आफ्टर टैक्सेस वैक्सेस एवरीथिंग. आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज द शेयर्स जो कंपनी ओन नहीं करती, वो बाहर भटे हुए हैं ओपन मार्केट में, लोग एक दूसरे में परचेस कर रहे हैं. अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं, सपोज एक कंपनी है उसका नेट इनकम है 1 लाख, एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1000, तो EPS कितना हो गया 100. परफेक्ट. अब मानते हैं इसी कंपनी ने बायबैक कर लिया. ठीक है, तो अब इनका नेट इनकम 1 लाख की है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनके हैं 1000 माइनस 100, क्योंकि 100 शेयर मानते हैं कंपनी ने बायबैक कर लिया, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हो गए 900. तो 1 लाख डिवाइड बाय 900 क्या होगा, EPS क्या होगा, EPS वुड बी 111.11. पहले EPS था 100, अब कितना हो गया 111.11. कंपनी की वैल्यू बढ़ गई है. सो दिस इज वाई जब भी बायबैक होता है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है. और जनरली ये देखा गया है कि बायबैक के बाद शेयर प्राइसेस अच्छा करती हैं. बचपन में ना मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था मैकडॉनल्ड्स. क्यों, हैप्पी मील, 100 रुपये का मील खरीदते थे और मुझे उसमें छोटा टॉय मिलता था. वो टॉय तो शायद मैकडॉनल्ड्स को लास्ट के प्रोडक्शन में पड़ता होगा 3-4 रुपये ज़्यादा नहीं पड़ता होगा, बट मेरे लिए वो टॉय क्या था, डिविडेंड. वो एक बहुत मेजर अट्रैक्शन थी और मैकडॉनल्ड्स के लिए फायदे की चीज थी बिकॉज मैं जाऊंगा था. सेम चीज होती है कंपनीज में. अब कंपनी क्या करती है, जब उनका एक्सेस प्रॉफिट होता है या रिजर्व सरप्लस भरे हुए होते हैं, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स इश्यू करते हैं, स्मॉल स्मॉल रिवॉर्ड्स जाते हैं कैश के टर्म्स में भी. एंड बहुत बार से बाटा का स्टॉक लोगे तो बाटा के डिस्काउंट कूपन वगैरह ये सब भी मिल सकते हैं, बट हम कैश के टर्म्स की बात कर रहे हैं, डिविडेंड्स. एंड इसका फायदा बहुत है बिकॉज एक तो देखो यार कंपनी की बड़ी पॉजिटिव इमेज बन जाती है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उस शेयर में उसका भी शेयर से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है कि यार इस शेयर को मैं बेचूंगा नहीं, इसको मैं होल्ड करूंगा बिकॉज ये शेयर मुझे डिविडेंड्स दे रहा है, मेरी से इनकम भी हो रही है. एंड इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड्स एक मेजर इनकम सोर्स है. अब इसको एग्जांपल समझते हैं, आपके पास शेयर है, उस शेयर की मार्केट प्राइस है 100 रुपये, बट उस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये. अच्छा, और फेस वैल्यू वो प्राइस होती है जिस पे उस कंपनी का स्टॉक लिस्ट किया जाता है, राइट. जैसे एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का. टाटा मोटर्स की फेस वैल्यू है 2 रुपीज, जबकि इसकी एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस इज 432 रुपीज. और ये मैं मानता हूं कि डिविडेंड डिक्लेयर आपको हुआ है 10% की, 10% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, सोचो सोचो. लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं वो डिविडेंड का 10% विल बी ऑन द मार्केट प्राइस. नहीं, इट इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू. एंड जनरली फेस वैल्यू 10 रुपये 1 रुपये इसी ब्रैकेट में रहती है, तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 1 रुपये पर शेयर. ये क्लियर हो गया. अब बात करते हैं, जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है किसी भी कंपनी या शेयर में, उसमें बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है. तो सपोज जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 1 हफ्ते बाद ITC पे डिविडेंड आना है सपोज, तो होगा क्या, सबको पता है, इन्वेस्टर्स को पता है डिविडेंड आएगा, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, इसकी शेयर प्राइस टक 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 करके ITC की ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी, और जब डिविडेंड इश्यू हो जाएगा ना, शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी.
एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने का डिविडेंड इश्यू हुआ है उतने से ही शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी. तो अगर 50 रुपए का डिविडेंड इश्यू किया है तो 50 रुपए से शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी. इसका लॉजिक क्या होता है? दो लॉजिक है. सबसे पहला फंडामेंटल लॉजिक. जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, इस एग्जाम्पल में से बोनस में क्या हुआ था? नेटवर्थ सेम थी. क्यों? बिकॉज रिजर्व से वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था. बट इस केस में रिजर्व से वो पैसा सीधा इन्वेस्टर्स को जाता है तो कंपनी की नेटवर्थ कम होती है. तो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स देखो यही बोलेंगे कि यार कि कंपनी नेटवर्थ कम हो गई है तो शेयर प्राइस कम होनी चाहिए. दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उसके बाद अगर कोई मार्केट में शेयर खरीदने के लिए उतर रहा है वो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना यार कि इनको तो डिविडेंड चक्कर में शेयर प्राइस बढ़ी थी, मैं तो खरीदूंगा नहीं. तो वो कम कम की बिड्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस कम्स लेस. तो ये है स्टोरी डिविडेंड्स की. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. अब बहुत बार ऐसा होता है कि यार कंपनी को ना एक्स्ट्रा फंड चाहिए होते हैं. हो सकता है कोई डेट क्लियर करना है या एक्सपेंशन करना है या कुछ भी रीजन होता है कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए. तो उनके पास एक ऑप्शन होता है राइट्स इशू का. कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या बोलती है कि दोस्त आप हमारे और शेयर खरीद लो सस्ते दामों पे, सो दैट कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से ही पैसा उठा ले. कंपनी के लिए कितना सस्ता पड़ता है? बैंक में जाके तो महंगा पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, या किसी भी और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ले. ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूं रिलायंस का. 2020 में रिलायंस का राइट्स इशू आया था. उस समय रिलायंस की मार्केट प्राइस थी अराउंड 1400 रुपीज और रिलायंस ने बोला कि आप हमारे शेयर खरीद लो अराउंड 1200 में. और ये था 1:15. इसका मतलब क्या हुआ? हर 15 शेयर पे यू आर एलिजिबल टू बाय 1 शेयर. अब अगेन ये फोर्स नहीं होता, तो ये शेयर होल्डर पर डिपेंड करता है. अगर आप खरीदना चाहते हो या आपकी मर्जी है, फुल्ली खरीदना चाहते हो या पार्टली खरीदना चाहते हो, ये कंप्लीटली शेयर होल्डर की मर्जी होती है. हमें कोई भी कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि हम राइट्स इशू में अप्लाई करें ही करें. ठीक, रिलायंस ने क्यों किया? बिकॉज रिलायंस को अपना डेट क्लियर ऑफ करना था. एंड ऑफकोर्स रिलायंस ने राइट्स इशू डिक्लेयर किया, उसके बाद शेयर प्राइस तो क्रेजी लेवल पर भाग गई. बट ये हर बार नहीं होता. तो आप देखोगे राइट्स इशू अगेन इट डिपेंड करता है कि कंपनी क्यों उठा रही है, कंपनी का रीजन क्या है. बहुत बार कंपनी एक्सपैंड करने के राइट्स इशू उठाती है, इट्स अ वेरी गुड रीजन. बहुत बार कंपनी लॉसेस कम करने के राइट्स इशू उठा रही है, इट इज नॉट अ गुड रीजन. इस केस में भी रिलायंस था एंड रिलायंस में इतना ट्रस्ट था बिकॉज वी हैव अ ट्रस्ट इन दैट कंपनी, वी हैव ट्रस्ट इन दैट मैनेजमेंट. लोगों ने उस राइट्स इशू में किया एंड यस इट पेड ऑफ. सो आई वुड से ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होता है, डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अब जब दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ जुड़ जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मर्जर. एंड ऑन द अदर हैंड कोई बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर कर लेती है, इसको बोलते हैं एक्विजिशन. सिंपल, जैसे आपको मर्जर का एग्जांपल दूं, वोडाफोन आइडिया अलग अलग बिजनेसेस थे, मर्जर हो गया, अब क्या है ये? वोडाफोन आइडिया. टाटा स्टील ने अपने 7 मेटल कंपनीज को एक साथ कंबाइन करके मर्जर अनाउंस कर दिया था. और एक्विजिशन के एग्जांपल के लिए अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स को एक्वायर कर लिया था इन सितंबर 2022. सो दिस इज एन एक्विजिशन. अब अगेन मर्जर एंड एक्विजिशन जब ये हो रहे होते हैं ना, तो जो भी शेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं अगर वो लिस्टेड कंपनीज हैं तो उस टाइम के लिए ये शेयर्स बहुत वोलेटाइल हो जाते हैं. बट वो किस डायरेक्शन जाएंगे, क्या होगा, ये बोलना अगेन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अब जैसे वोडाफोन आइडिया, दिस मर्जर वॉज डन इन एमरजेंसी बिकॉज ओवरऑल दे कुड नॉट सस्टेन इंडिपेंडेंटली बिकॉज जियो आ गया था, एयरटेल से डिफरेंट कॉम्पिटिशन था, दे हैड टू डू अ मर्जर. सो दिस वॉज अ मर्जर फॉर नॉट द बेस्ट रीजन. बट ऑन द अदर हैंड मर्जर्स कैन बी टू एक्सपैंड बिजनेस टू अनदर लेवल. और एक्विजिशन का भी सेम है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन सिचुएशन. बट ड्यूरिंग दिस टाइम इन कंपनीज के शेयर्स बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं. अब ये तो देखो यार बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. पहले कंपनी होती है एक प्राइवेट कंपनी. अब प्राइवेट कंपनी जो भी ओन कर रहा है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट हूसोएवर इट इज, दे हैव नो लाइबिलिटी कि हमें सबको अपने बैलेंस शीट दिखानी है, सबको एनुअल रिपोर्ट दिखानी है, नथिंग. दे कैन ऑपरेट विद इन देमसेल्फ्स, दे कैन टेक डिसीजंस विद इन देमसेल्फ्स. बट जब इस कंपनी को बहुत बड़ा होना होता है तो उनको क्या चाहिए होता है? फंड्स. सबसे चीप कॉस्ट ऑफ फंड्स आपको मिलता है फ्रॉम द पब्लिक थ्रू स्टॉक मार्केट्स, थ्रू issuing an IPO, जहां से all the investors in stock markets have an option to invest in your company. और आपकी private company बन जाती है एक public company. इसके लिए binoms change, इसके लिए आपको annual report check करनी पड़ती है, इसके लिए decision making का भी एक proper process होता है. And company IPO तभी release करती है जब वो SEBI के binoms को पार करे. So it is very safe to assume कि जो company का IPO है ना वो कोई टुच्ची मुच्ची कंपनी नहीं हो सकती because SEBI के binoms are very strict here. अब इसको समझते हैं एक recent example से of बीकाजी foods. इसका IPO आया था. अब आप देखोगे जब भी IPO आएगा उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी
कि ओपनिंग डेट थी 3rd नवंबर, क्लोजिंग डेट थी 7th नवंबर, अलॉटमेंट आपका 11th नवंबर तक हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 14th नवंबर तक आपको रिफंड मिल जाएगा, 15th नवंबर पे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 16th नवंबर पे आपका शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज शेयर लिस्ट हो गए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये आईपीओ की प्राइस नीचे आ गई है। और ये आईपीओ आप सिंगल शेयर करके नहीं खरीदते, ये आईपीओ आप खरीदते हैं लॉट्स में। जैसे यहाँ पे इसकी डिटेल में दे रखा था दैट एक लॉट आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा विच वुड बी ऑफ 50 शेयर्स, विच वुड बी ऑफ 50,000। सो दिस इज द आईपीओ। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी ना पूरा एक DHRP रिपोर्ट देती है, इतना एक्सटेंसिव, इतना बड़ा, जिसमें आईपीओ के बारे में आपको हर कुछ पता चलता है, सो दैट एज ए इन्वेस्टर यू कैन डिसाइड इफ इट्स गुड फॉर यू नॉट। नाउ आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए वी हैव द फिजडम प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहां पे आपको कंप्लीट एनालिसिस इजी तरीके से देते हैं। सो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड दिस ऐप। फॉलो अप ऑफर। अब ये एक और कंपनी के पास एक रास्ता होता है। अब सपोज ये कंपनी है, लिस्टेड है ऑलरेडी, देखो स्टॉक मार्केट में कंपनी है, बट कंपनी को और पैसे चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, फॉलो अप ऑफर, मतलब फ्रेश शेयर्स इशू कर सकते हैं। वो आईपीओ निकालेंगे, वो फ्रेश शेयर्स और डाल देंगे और ये शेयर्स खरीदने के लिए अवेलेबल होंगे टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो एंड ऑफकोर्स टू अदर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। अब अगेन FPO अच्छे रीजंस के लिए भी होता है और कंसर्निंग रीजंस के लिए भी होता है। अच्छे रीजंस कब हो गए, जब कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कंपनी वांट्स टू ग्रैब इट राइट नाउ। बट कंसर्निंग रीजंस क्या हो गए, जैसे यस बैंक का था इन 2020, यस बैंक वॉज इन अ बैड शेप। अब फॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, बट उस समय बहुत ही खराब हालत थी, दे नीडेड मोर फंड्स। तो यस बैंक ने एक FPO डिक्लेयर किया ऑफ 15,000 करोड़ और शेयर्स अवेलेबल थे फ्रॉम द प्राइस ऑफ 12 to 13 rupees, और उस टाइम के मार्केट शेयर के हिसाब से ये ऑलमोस्ट आधे में अवेलेबल थे। तो अगेन इट साउंडेड वेरी अट्रैक्टिव, बट जैसे ही FPO डिक्लेयर हुआ उसके बाद शेयर प्राइस तो आप देख ही रहे हो क्या हालत हुई। सो FPO का भी मतलब ये नहीं होता कि कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सो दोस्त ये थे सारे टर्म्स, अब आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फिजडम ऐप नीचे है, वो वन क्लिक सोल्यूशन है आपकी लाइफ पूरी ईजी करने के लिए। और चैनल पे मुझसे क्या वीडियो चाह रहे हो कमेंट करके बताओ, और बता ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी दबा देना। और अगर जानना है हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो, वेल ये है वीडियो, एंजॉय करो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.